तो हेलो एवरीवन, आज की ट्रेनिंग है और जो प्लान है हमारा वो है फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक्सीडेंट के बारे में समझेंगे, क्या होता है एक्सीडेंट, किस किस तरह का एक्सीडेंट कंपनी कवर करती है। तो ये बेसिक चीजें मैं अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं एक्स्ट्रा, 4:10 होने वाले हैं, ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज जिस भी प्लान की हम ट्रेनिंग करने वाले हैं, उस प्लान का नाम है फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नाम से पता चल रहा है कंपनी एक्सीडेंट का बेनिफिट देने वाली है। यहाँ पर इस प्लान में कंपनी हमारी हेल्थ कवर नहीं करती है, हमारी एक्सीडेंटल कंडीशन कंपनी कवर करती है, एक्सीडेंटल बेनिफिट देती है, डेथ बेनिफिट देती है। नॉर्मल जो अगर बात करूँ तो कुछ एजेंट्स ऐसे हमारे साथ जुड़ते हैं जिन लोगों को लगता है कि कंपनी बाकी सभी प्लान अगर नॉर्मल प्लान है तो उसमें डेथ का भी कुछ पे करेगी क्या, ऐसा लोगों का मानना है। या लोग निकल कर ऐसे भी आते हैं जो ये पूछते हैं कि क्या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में कंपनी नॉर्मल हेल्थ की वजह से अगर किसी की डेथ होती है तो कंपनी कवर करेगी क्या। तो ये सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज पीपीटी के थ्रू। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को पीपीटी अगर विजिबल है तो भी और ऑडिबल हूँ क्लियरली तो भी मुझे बताइएगा, मैं पीपीटी शेयर करती हूँ। पीपीटी क्लियर है आप लोगों को, दिख रही है? चलिए यस चलिए, वेरी गुड। फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सबसे पहले थोड़ा सा एक बार एक्सीडेंट के लिए बेसिक चीज समझना और समझाना चाहूंगी कि एक्सीडेंट होता क्या है, किस किस तरह का एक्सीडेंट कंपनी एक्सीडेंट में ही काउंट करती है। एक सिर्फ रोड एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट में काउंट नहीं होता है, एक बार समझ लीजिए। अगर मैं किसी एक्सीडेंट की बात कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ रोड एक्सीडेंट ही नहीं होगा, और भी तरह का हो सकता है। कोई छत से गिर जाता है, कोई सीढ़ियों से गिर गया, पैर स्लिप हो गया, किसी का बाथरूम में पैर स्लिप हो गया, कोई छत से गिर गया है, किसी ने गोली गोली मार दी है, किसी ने चाकू मार दिया है, कोई रोड पर जा रहा है, उसका किसी टू व्हीलर फोर व्हीलर से भी रोड एक्सीडेंट में प्रॉब्लम हो जाती है, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है जिसे हम लोग नेचुरल डिजास्टर की बात करते हैं। तो ये सभी तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं सब एक्सीडेंट में काउंट होती हैं। रिसेंटली अगर बात करूँ तो जो चमोली में एक प्राकृतिक आपदा आई है, ग्लेशियर फटा है, तो वो एक प्राकृतिक आपदा एक एक्सीडेंट में ही काउंट होगा। तो ये सभी तरह की प्रॉब्लम्स मिसहैपनिंग्स एक्सीडेंट में काउंट होती हैं। तो पहले सबसे पहले आप लोगों को एक्सीडेंट को समझना है कि व्हाट इज एक्सीडेंट, होता क्या है एक्सीडेंट। सिर्फ किसी गाड़ी से टक्कर हो गई, कोई एक्सपायर हो गया, किसी के बॉडी के पार्ट्स कट गए, टूट गए, खराब हो गए, वो सिर्फ एक्सीडेंट में नहीं है, बाकी रेस्ट चीजें भी एक्सीडेंट में ही काउंट होती हैं। तो सबसे पहले एक्सीडेंट को समझना है। नेक्स्ट हम एक्सीडेंट की फीचर्स, इस प्लान के फीचर्स पर डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? एक्सीडेंट का मीनिंग समझ आया सभी को? यस मैम नेक्स्ट देखिए, कंपनी की बात करी तो कंपनी एक्सीडेंट केयर पॉलिसी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन दे रही है आप लोगों को। कोई पर्सन अगर पॉलिसी लेता है तो हमारी पॉलिसी में यहाँ 1 साल 2 साल दोनों तरह के बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। बेनिफिट्स की बात करते हैं, कंपनी सभी तरह के एक्सीडेंट्स को कवर करती है। जैसा मैंने अभी बताया आप लोगों को, एक्सीडेंट भी कवर है, किसी तरह का कोई और मदद लाइक कोई और मिस हैपनिंग हो जाती है वो भी कंपनी कवर कर रही है। कोई बाथरूम में गिर गया है, पैर स्लिप हो गया है, छत से गिर गया है, किसी ने गोली मार दी, चाकू मार दिया, ये सभी तरह की चीजें कंपनी कवर कर रही है। नेक्स्ट, कंपनी दो तरह कवर करती है एक्सीडेंट को, दो तरह से। एक एक्सीडेंटल डेथ, किसी ने लाइक किसी का एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, कंपनी कवर करेगी। क्या कवर करती है? डेथ बेनिफिट, पैसा देती है कंपनी इस पॉलिसी के अंदर। नॉमिनी को अमाउंट, जितने लाख का सम शॉर्ट की पॉलिसी ली होगी उतने लाख का कंपनी नॉमिनी को अमाउंट पे करती है। दूसरी चीज आती है इसमें, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, मींस शॉर्ट में बात करूं तो कंपनी पीटीडी कवर करती है। मींस अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई पर्सन एक्सपायर नहीं होता है, डेथ नहीं होती है, बट बॉडी के कोई भी दो पार्ट्स, दो लिम्ब्स जिसे हम बात करते हैं, कट गए, टूट गए, खराब हो गए, कुछ भी हो सकता है, परमानेंट डिसेबल हो गया है, तो भी कंपनी नॉमिनी को अमाउंट पे करती है। कितना करती है मैं अभी आपको नेक्स्ट आगे लाइक डिस्क्राइब करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, बट बेसिक चीजें समझनी है कि एक्सीडेंटल फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। फैमिली के लिए कवर होता है, कंपनी दो चीजें कवर करती है, एक एक्सीडेंटल डेथ और एक परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। नेक्स्ट देखिए, ये एक बेसिक आपको कंडीशन बता देती हूँ कि फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में क्या है ना, हस्बैंड वाइफ और मैक्सिमम बच्चे भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ तीन बच्चों के लिए कंपनी पॉलिसी दे रही है जो फैमिली साइज है, जिसमें कंपनी एडल्ट्स को मेजर को 100% के लिए कवर करती है, बट बच्चों को 25% ऑफ सम एश्योर्ड के लिए कवर करती है। मीन्स अगर हस्बैंड वाइफ और बच्चों की पॉलिसी है और अगर हस्बैंड के एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है
तो कंपनी वाइफ को 100% अमाउंट देगी नॉमिनी को, और अगर सपोज पहले किसी बच्चे की डेथ हो जाती है तो कंपनी 25% ऑफ सम एश्योर्ड देगी। क्लियर है? अगर किसी की 10 लाख की पॉलिसी चल रही है और किसी बच्चे की डेथ हो गई है तो कंपनी 2.5 लाख रुपए नॉमिनी को पे करेगी। और यही अगर किसी हस्बैंड की, किसी मेजर एडल्ट पर्सन की डेथ हो जाती है तो कंपनी पूरा 10 का 10 लाख रुपए पूरा कंपनी नॉमिनी को पे करती है। तो ये इसकी कंडीशन है कि हस्बैंड वाइफ एडल्ट 100% के लिए कवर्ड है, बट बच्चे 25% के लिए कवर्ड है इस प्लान में। नेक्स्ट, एज ऑफ एंट्री की हम यहाँ बात कर रहे हैं। कंपनी एज ऑफ एंट्री में 18 to 65 ईयर्स कवर करती है, 18 साल से लेके 65 साल तक के लोगों को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फैमिली साइज की। कंपनी फैमिली साइज में हस्बैंड वाइफ और मैक्सिमम 3 बच्चों को कवर करती है, जिसमें हम जो पॉलिसी दे रहे हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, हम जो पॉलिसी दे रहे हैं वो फैमिली के लिए है। फैमिली में कितने लोग कवर होते हैं मैक्सिमम? हस्बैंड वाइफ, ये भी फैमिली काउंट होती है। हस्बैंड वाइफ 1 बच्चा फैमिली काउंट होगी, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चा या हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे फैमिली काउंट होगी। तो पूरी फैमिली फ्लोटर के लिए पॉलिसी है। और बच्चों की अगर बात करूं तो 16 डेज, 16 दिन से लेके 25 साल तक कंपनी बच्चों को कवर करती है। मीन्स 16 दिन से लेके 25 साल तक का बच्चा मम्मी पापा के साथ सेम पॉलिसी में रह सकता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक अगर किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो तो प्लीज डिस्कस कीजिए। चलिए सम एश्योर्ड की बात करते हैं। तो कंपनी सम एश्योर्ड यहाँ से, यहाँ पर 1 लाख से स्टार्ट कर रही है। 1 लाख पॉलिसी से लेके 50 लाख तक का मैक्सिमम सम एश्योर्ड कंपनी आपको 50 लाख का प्रोवाइड कर रही है। 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख आपके पास सम एश्योर्ड यहाँ अवेलेबल है। नेक्स्ट, मैंने अभी बताया आपको कि कंपनी यहाँ पर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट भी कवर करती है। मीन्स बॉडी के कोई भी 2 पार्ट्स कट गए, टूट गए, खराब हो गए। कौन कौन से लिम्स हो सकते हैं? जिसमें एक आंख, एक पैर हो सकता है, एक कान, एक हाथ हो सकता है, दोनों पैर हो सकते हैं, दोनों हाथ हो सकते हैं, या एक हाथ एक पैर भी हो सकता है। कुछ भी, कोई भी अगर कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो कॉम्बिनेशन हमारे 2 लिम्स में काउंट होता है, 2 पार्ट्स में। कोई भी 2 पार्ट्स अगर कट गए हैं, टूट गए हैं, तो भी कंपनी नॉमिनी को, अगर पर्सन लाइव है तो उसको अमाउंट पे करेगी, अगर पर्सन जो हमारा कस्टमर है वो लाइव नहीं है तो नॉमिनी को कंपनी अमाउंट पे करती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल। देखिए, सबसे बड़ा एक बेनिफिट है इस पॉलिसी के अंदर। मेजरली अगर बात करूं तो कोई भी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस में वर्ल्ड वाइड कवरेज नहीं देती है, इवन एक्सीडेंटल में भी नहीं देती है। बट जो स्टार हेल्थ की तरफ से कंपनी पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है आप सभी को, कस्टमर्स को, एजेंट्स को, कंपनी ने जो फीचर लॉन्च किया है उसमें वर्ल्ड वाइड कवरेज एप्लीकेबल है। अगर किसी ने यहाँ इंडिया में पॉलिसी ली है और अगर वो किसी ऑफिशियल वर्क से, घूमने के पर्पज से, किसी भी अदर रीजन से इंडिया से बाहर गया है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, सपोज वहां रहता भी है और वहां एक्सीडेंट की वजह से उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, डेथ हो जाती है, या PTD डिसेबल बॉडी में डिसेबिलिटी हो जाती है, तो भी कंपनी कवर करेगी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कंपनी वर्ल्ड वाइड कवरेज भी यहाँ प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट देखिए, ये क्योंकि ये प्लान बहुत छोटा सा है, बहुत सारी चीजें कवर नहीं है। कंपनी, मैंने पहले ही बताया, हेल्थ कवर नहीं करेगी, सिर्फ एक्सीडेंट कवर करेगी। इसको एक बेसिक से इलस्ट्रेशन, बेसिक से एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको, मैं समझाना चाहूंगी आप लोगों को। मान लेते हैं हस्बैंड वाइफ 1 बच्चे की पॉलिसी है, ठीक है, और हस्बैंड ने पॉलिसी, लाइक हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो कंपनी 100% किसी, लाइक मान लेते हैं 50 लाख की पॉलिसी ली है और हस्बैंड की डेथ हो गई तो कंपनी नॉमिनी को, मीन्स वाइफ को, पूरा 50 लाख पे कर देगी और पॉलिसी वहीं खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब यही अगर मैं डिस्कस करूं आपसे कि हस्बैंड वाइफ 1 बच्चे की पॉलिसी है और पहले किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, तो जैसा मैंने पहले बताया आप लोगों को कि कंपनी बच्चे को सिर्फ और सिर्फ 25% के लिए कवर करती है, तो कंपनी 25% अमाउंट पे करेगी, 12.5 लाख पे करेगी, और बाकी रेस्ट 75 लाख के, 75% के लिए वो पॉलिसी कंटिन्यूटी में आगे चलेगी। तो ये बेसिक से इसके 2 इलस्ट्रेशंस हैं जो मैंने आपको समझाए हैं। फीचर्स की मैंने लगभग आप लोगों को क्लियर कर दिया है, बेसिक फीचर है इसके अंदर, कोई बहुत ज्यादा बड़ा प्लान नहीं है। कुछ कंपनी एक्सक्लूजन्स लगाती है पॉलिसी के अंदर, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर किसी ने ड्रिंक एंड ड्राइव का केस होगा, ड्रिंक कर रखी है बहुत ज्यादा और ड्राइव किया और उस केस में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कंपनी क्लेम नहीं देगी, आई एम सॉरी, कंपनी क्लेम प्रोसेस नहीं करती है। ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस है, किसी ने ड्रग लिया हुआ है, किसी ने ओवरडोज ली हुई है, कोई प्रॉपरली एयर ट्रेवल में रहता है, किसी का प्रोफेशन ऐसा है, बहुत तरह के केसेस ऐसे आ जाते हैं।
इस तरह की सभी चीजों को कंपनी एक्सक्लूजन्स में रखती है, कंपनी कवर नहीं करती है। बेसिक है इस प्लान के लिए, कंपनी क्लेम प्रोसीजर्स भी बहुत इजी रखती है, हैसल फ्री क्लेम देती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स, बेसिक चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे तो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। प्रीमियम की बात कर लेते हैं, तो प्रीमियम बहुत ही सस्ता प्रीमियम है प्लान का, फिक्स है, लाइफ टाइम सेम रहने वाला प्रीमियम है, प्रीमियम चेंज नहीं होता है। 2% पॉलिसी ले, 3% पॉलिसी ले, या 4% पॉलिसी ले रहा है, हस्बैंड वाइफ दो बच्चे, चार लोग हो गए, प्रीमियम सेम रहने वाला है। अगर मैं मैक्सिमम बात करूं तो 50 लाख रुपए के लिए कंपनी 4,425 रुपए का प्रीमियम चार्ज करती है एक साल के लिए। ये अगर आपका कस्टमर रेडी हो जाता है 2 साल पे करने के लिए, तो 8,555 रुपए का प्रीमियम है, बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम है। और कस्टमर 50 लाख रुपीज के लिए, 50 लाख रुपए के लिए 2 साल के लिए कवर हो जाएगा। तो बेसिक है ये इस प्लान के अंदर, बहुत ज्यादा बड़ा प्लान नहीं है, बहुत ही छोटा सा प्लान है, बस आप लोगों को इतना ही समझना है इस प्लान में, इससे ज्यादा इस प्लान के अंदर कुछ भी नहीं है। बाकी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज और मुझे डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, जितने लोगों को भी आप पॉलिसी समझाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस, सभी के साथ आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पिच करना है, कोशिश करनी है 99% सभी के साथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दो। बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है, 25 लाख का 2,213 रुपए का प्रीमियम है। जिस कस्टमर को आप बताएंगे हेल्थ इंश्योरेंस, उस कस्टमर को अगर आप 2,213 रुपए का ये प्लान भी बता देंगे कि आपको 2,000 रुपए और पे करने हैं एक्स्ट्रा, इसमें आपको 50 लाख, कंपनी 25 लाख का एक्सीडेंटल कवर देगी, तो कस्टमर 99% मान जाएगा। 2,000 रुपए जहाँ कस्टमर 15,000-20,000 पे करेगा, वहां 2,000 रुपए के लिए कभी वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, 2,000 और पे कर देगा, इजीली पे कर देगा। बट कस्टमर को वो समझ आना चाहिए कि हाँ उसका 25 लाख का बेनिफिट है, 25 लाख कंपनी कवर करके देगी उसको। ये अगर आप 50 लाख सेल करते हैं तो 4,425 रुपए का प्रीमियम निकल कर आता है सिर्फ। तो कोशिश करनी है जितने भी कस्टमर्स को आप लोग इंश्योरेंस सेल करने वाले हैं, हेल्थ इंश्योरेंस सेल करेंगे, सभी को आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी सेल करेंगे। और ये चीज और ध्यान रखिएगा साथ में, जो लोग एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं कर रहे हैं, अचीवमेंट कुछ भी कर लें काउंट नहीं होने वाली है। राजकुमार जी, आपके लिए स्पेशली, आप एक्सीडेंटल पे फोकस नहीं करते हैं। ठीक है मैम, करूंगा मैम अभी। ओके बिल्कुल, मुझे इस बार आपसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मैम, ना इन फ्यूचर भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए। तो ध्यान रखना इस चीज को, आप इंश्योरेंस में कीजिए, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या होता है ना, जेन्युइनली माइंड में ये चीज आती है कि मुझे तो 15,000 और 20,000 पे फोकस करना है, क्या 2,000 के लिए कस्टमर से बात करनी, एक्चुअल माइंड में ये आता है। लेकिन आप वो 2,000 रुपए के लिए ये मत सोचिए, ये सोचिए वो 2,000 रुपए इन फ्यूचर आपकी एक एजेंट की जो क्लेम का रेशियो होता है ना, उसे मैनेज करके चलता है। बहुत जरूरी है ये, आपको इन फ्यूचर समझ में आएगा जब जब कभी क्लेम्स, क्योंकि अभी तो हम लोग पॉलिसी सेल कर रहे हैं, बस अभी नया नया जोश है तो हम पॉलिसी सेल कर रहे हैं, बट जब क्लेम्स निकल कर आते हैं ना तब समझ में आता है, वहां प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी रेशियो डाउन हो जाती है, तो उस टाइमिंग पे ये एक्सीडेंटल पॉलिसीज आप लोगों को सेव करती हैं। समझ आई मेरी बात? चलिए एक चीज और मैं आप लोगों से, जी संदीप जी आपने हैंड रेस किया है। मैम मैं ये पूछ रहा था, इसमें सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ कवर होगा? हाँ जी, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक्सीडेंटल डेथ कवर करती है, अगर नॉर्मल डेथ होती है तो कवर नहीं होगा? नहीं होता। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, एक चीज मुझे और डिस्कस करनी है आप लोगों में, कुछ ऐसे देखो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट बहुत सारे एजेंट्स ऐसे भी हैं जो मैं कॉल करती हूँ तो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं कॉल कर रही हूँ तो जेन्युइनली आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ, कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट देने के लिए, कोई नॉलेज आप लोगों को देने के लिए ही कॉल जाती है मेरी तरफ से। अगर आज आप लोग मेरा कॉल नहीं उठाएंगे तो कल जब आप लोगों को मेरी रिक्वायरमेंट होगी तो आई एम सॉरी, मैं भी कॉल नहीं उठाऊंगी आप लोगों का। फिर आप वर्मा जी को कॉल कर लेना और सीनियर लेवल पे कॉल करके भी ट्राई कर लेना। तो ये ऐसा ना करें आप, क्योंकि अगर आप मेरा फोन उठाएंगे तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के सपोर्ट के लिए हूँ, आप लोगों को एक नॉलेज देनी है, ट्रेनिंग्स देनी है, वट एवर काम के लिए हम लोग कॉल पर डिस्कस करते हैं। मुझे नहीं लगता मैं किसी भी पर्सन से कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस भी करती हूँ सिर्फ काम के अलावा। तो प्लीज फोन उठाइए, अगर आप लोग बिजी हैं तो ऐसा प्रेशर भी नहीं है कि फोन उठाना है, एटलीस्ट एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मीटिंग में हूँ, कॉल बैक कर सकते हैं, मिस्ड कॉल देखते होंगे आप लोग मेरी, लगभग सभी के पास शो होती होगी,
अगर मिस्ड कॉल देख के भी कॉल बैक नहीं करेंगे तो फिर जब आप लोगों को मेरी रिक्वायरमेंट होगी तो आई एम सॉरी, मैं भी आप लोगों को कॉल नहीं करने वाली हूँ, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी फिर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सर्विस आप लोगों को मुझसे ही लेना है। तो प्लीज एक डिसिप्लिन बना के रखिए, मीटिंग्स में भी और नॉर्मल वैसे भी। मैं दिन में ऐसा भी नहीं कि बहुत बार कॉल करती हूँ, हार्डली एक बार दो बार किसी अर्जेंट काम की वजह से कॉल जाती है, तो वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो चलिए आप बताइए मुझे कोई ऐसा पॉइंट अगर रहता हो तो डिस्कस करते हैं। मैम मेरा वो जो आपने बताया ना क्लेम कैसे कैसे, चाइल्ड को कितना मिलेगा और स्पाउस और पॉलिसी होल्डर कितना कितना कैसे मिलेगा, वो एक बार समझा देते। मैं बता देती हूँ आपको। देखो क्या होता है ना, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में कंपनी दो चीजें कवर करती है, एक एक्सीडेंटल डेथ और एक परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। मींस एक एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई तो कंपनी देगी पैसा, ठीक है, और एक बॉडी के दो पार्ट्स कट गए, टूट गए, खराब हो गए तो कंपनी तो देती है पैसा नॉमिनी को। अब यहाँ पर क्या चीज है, आपने पूछा कंपनी हस्बैंड वाइफ को, क्योंकि वो एडल्ट है, हस्बैंड की डेथ होगी तो वाइफ को पैसा मिलेगा, 90% पॉलिसी में वाइफ ही नॉमिनी होती है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हस्बैंड वाइफ ठीक सही सलामत है, भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग बच्चे के साथ हो जाती है, ठीक है, तो बच्चे को कंपनी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 25% के लिए कवर करती है, 25% के लिए। तो अगर किसी बच्चे की डेथ होती है तो कंपनी 25% नॉमिनी को पे कर देगी, नॉमिनी में हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, नॉमिनी को 25% पैसा मिलेगा और रेस्ट 75% के लिए पॉलिसी कंटिन्यूटी में चलेगी। क्लियर है? हस्बैंड वाइफ का 100% रहेगा। बिल्कुल करेक्ट, हस्बैंड वाइफ का 100% रहता है। मैम एक चीज और मेरे को जाननी थी, मान के चलो जैसे किसी की पुरानी सर्जरी हो चुकी है, 8-10 साल हो गए हैं और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, तो वो कैसे मेंशन करेगा फिर? एक्सीडेंटल पॉलिसी में? नहीं नहीं हेल्थ पॉलिसी में। अच्छा हेल्थ पॉलिसी में, वैसे अगर हम हेल्थ पॉलिसी का फोन पर डिस्कस करें तो बेटर रहेगा। अभी यहाँ एक्सीडेंटल प्लान की ट्रेनिंग चल रही है तो एक्सीडेंटल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। वो हम फोन पर डिस्कस कर लेंगे। चलिए और बताइए, उत्तम जी हैं, राधेश्याम जी, एंजेला जी, ओके, और पारुल शर्मा जी हैं, प्रशांत जी, रितेश जी, विपिन जी, क्लियर है आप लोगों को प्लान एक्सीडेंटल इंश्योरेंस? क्लियर है? टर्म प्लान से कैसे डिफरेंट है? सॉरी, टर्म प्लान से डिफरेंट है? बिल्कुल टर्म प्लान से डिफरेंस है, क्योंकि टर्म प्लान तो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम होती है तो भी कवर करता है, हेल्थ की वजह से अगर डेथ हो जाती है कंपनी तो भी कवर करती है टर्म प्लान में, बट यहाँ पर हेल्थ की वजह से डेथ कंपनी कवर नहीं कर रही है, ये सिर्फ एक्सीडेंटल पॉलिसी है, टर्म से बिल्कुल डिफरेंट है। मैडम मेरा एक ये ना प्रॉब्लम था। बताइए। मैंने 1 जनवरी को एक फैमिली एक्सीडेंट पॉलिसी किया था और वो नहीं पहुंचा आपके पास, तो उसका स्मार्ट कार्ड नहीं पहुंचा, पॉलिसी पहुंचा है, पॉलिसी सैटरडे को। इंश्योरेंस में स्मार्ट कार्ड नहीं आता है? नहीं आता है ना। नो सॉफ्ट कॉपी में स्मार्ट कार्ड था, लेकिन वैसे आता नहीं है, हार्ड कॉपी अगर ज्यादा होगा तो मैं चेक कर लूंगी उसको भी, बट अगर एक्सीडेंटल पॉलिसी में कार्ड नहीं आता है, वो सिर्फ पॉलिसी की कॉपी होती है। सॉफ्ट कॉपी है तो मेरे को लगा इसलिए आता होगा। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस में कस्टमर सिर्फ अपना कार्ड दिखा के हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले सकता है, लेकिन एक्सीडेंटल में तो ट्रीटमेंट नहीं लेना होता है, तो वहां तो पॉलिसी की कॉपी ही पूरी जाती है, तो यहाँ पर कार्ड नहीं आता है। कॉपी रिसीव हो गई आपको? कॉपी मिल गई, सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी भी आई थी मेरे पास, ठीक है, तो कस्टमर ने भेजी थी मेरे को सॉफ्ट कॉपी आई, लेकिन हाँ इसका स्मार्ट कार्ड का कॉपी नहीं है मेरे पास। स्मार्ट कार्ड नहीं आता सर, एक्सीडेंटल में स्मार्ट कार्ड नहीं आता है। ओके मैम। चलिए कितने दिन पहले मिली आपको कॉपी? कॉपी सैटरडे को मिली। सैटरडे मिली है, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग जी, प्रशांत जी। मैम एक्चुअली 10 मिनट्स मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो कुछ मैम समझ नहीं आया। यस मैम, मैं समझ जैसे मैं जैसे मैं समझ गया मैम, 1 लाख to 50 लाख से यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने आपको सुनना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से मैंने वर्ल्ड वाइड कवरेज और हेल्थ कवर्ड नहीं करती है, अगर डेथ, अगर किसी इंश्योरेंस वाले बंदे को अगर डेथ हो जाती है तो सम इंश्योरेंस पूरा मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट, और उसका इंश्योरेंस बंद हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट, और ड्रिंक एंड ड्राइव करेगा तो उसको कवर्ड नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, और एक्सीडेंट में स्मार्ट कार्ड नहीं आता है, नहीं इतना सुना हूँ मैम, ठीक है, तो प्लीज बता दो मैम।
देखो मैं बताती हूँ, सिर्फ बेसिक सी चीज समझनी है आपको, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल पॉलिसी है ये। एक्सीडेंट की वजह से डेथ होगी तो ही कंपनी कवर करेगी, हेल्थ की वजह से डेथ होती है तो कंपनी कवर नहीं करती है। पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है ऑलवेज, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर सेम जैसे फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है, कंपनी पूरी फैमिली कवर करती है, हस्बैंड वाइफ तीन बच्चे, 18 साल से लेके 65 साल तक के लोगों को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। बच्चे की बात करेंगे तो 16 दिन से लेके 25 साल तक का बच्चा इस पॉलिसी में कवर रह सकता है, जो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे वर्ल्ड वाइड कवरेज की, जो मैंने आपने भी मुझे बताया वर्ल्ड वाइड कंपनी कवर कर रही है, कोई इंडिया से बाहर गया है और वहाँ एक्सीडेंट की वजह से मिस हैपनिंग हो गई, कंपनी कवर करेगी, पूरा अमाउंट पे करेगी। दो ही चीजें कंपनी कवर करती है, एक्सीडेंटल डेथ या परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। एक्सीडेंटल डेथ तो क्लियर है कि एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई, लेकिन एक पीटीडी भी होता है जिसे हम लोग परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट बोलते हैं, मतलब एक्सीडेंट की वजह से डेथ नहीं हुई लेकिन बॉडी के दो पार्ट्स, कोई भी दो पार्ट्स कट गए, टूट गए या खराब हो गए, वो कंपनी कवर करती है। दो पार्ट्स, लिम्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक आंख एक पैर हो सकता है, एक कान एक हाथ हो सकता है, दोनों हाथ हो सकते हैं, दोनों पैर हो सकता है, या एक हाथ एक पैर हो सकता है, कोई भी एक ये कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं आप। कोई भी दो चीजें अगर कट गई हैं, टूट गई या खराब हो गई, कंपनी कवर कर लेती है, मींस अमाउंट पे कर देगी, कंपनी क्लेम दे देगी, ये चीज कवर होती है इसके अंदर। और बताइए आपको क्या समझ नहीं आया। यस मैम, थैंक यू मैम। हेलो चलिए वेलकम जी, तो क्लियर है सभी को, एंड अप करें। मैम, मैम जी हेमंत जी बताइए। मैम, मेरे पॉलिसी को चलते हुए 3 महीने हो गए और मेरे फ्रेंड के, लेकिन कार्ड हमारे अभी तक नहीं आए हैं। 3 महीने से कार्ड नहीं आया आपके, आप ऐसा बोल रहे हैं। जी, मैंने मैसेज ड्रॉप किया था आपको। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे पॉलिसी नंबर शेयर कर लीजिए, मैं चेक कर लेती हूँ। ओके मैम। ओके जी।